उदयपुरा से हमारे संवाददाता नीलेश पटेल की रिपोर्ट। श्रीराम गौ सेवा समिति के द्वारा घायल पशुओं का किया जा रहा है उपचार। उदयपुरा से हमारे संवाददाता नीलेश पटेल की रिपोर्ट। श्रीराम गौ सेवा समिति द्वारा संचालित गौशाला में घायल पशुओं का उपचार किया जा रहा है। शासन की मदद के बिना समिति के द्वारा रोड पर एक्सीडेंट होने पर जो पशु घायल हो जाते हैं उनका उपचार समिति के द्वारा गौशाला में लाकर किया जा रहा है। वहीं किसानों के द्वारा छोड़े गए गोवंश अब लोगों के परेशानी का कारण बने हुए थे। वहीं आए दिन एक्सीडेंट होने से लोगों को और जानवरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई बार रोड पर घूमते जानवर वाहन से टकरा कर मौत का शिकार हो जाते थे, पर शासन प्रशासन इस पर कोई नजर नहीं थी। वहीं गौ सेवा समिति के द्वारा घायल गायों का इलाज गौ सेवा समिति समझकर गौ सेवा संचालक अनिल रघुवंशी द्वारा उनके सहयोगियों के द्वारा किया जा रहा है। गौ सेवा की समिति के द्वारा यह अपील की गई है, यदि किसी किसान की गाय बार रोड पर छोड़ते हैं तो रोड पर ना छोड़े, गौशाला में छोड़कर जाए। और श्रीराम गौ सेवा समिति के द्वारा नगर में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। उदयपुरा से हमारे संवाददाता नीलेश पटेल की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत खरेटी में महीनों से फैली है अव्यवस्था। एक ओर शासन ग्राम पंचायत स्तर पर साफ सफाई और ग्रामीणों को शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर रायसेन जिले की उदयपुरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खरेटी में ग्रामीण बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत के द्वारा ना तो नाली निर्माण का कार्य पूरा किया गया है, ना ही साफ सफाई कराई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि कलेक्टर साहब से और ई सीओ से उदयपुरा से कई बार शिकायत करने के बाद भी महीनों से सचिव पंचायत नहीं आए हैं और ना ही गांव में कोई साफ सफाई कराई गई है। इस मामले में जब उदयपुरा सीईओ से बात की गई तो उन्होंने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि आपके द्वारा मेरे संज्ञान में बात आई है, अब मैं इसकी जांच कराती हूं। वहीं गांव वालों का यह आरोप है कि कई बार लिखित शिकायत करने के बाद भी आज दिनांक तक गांव की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं आया। उदयपुरा